पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने ही सरकार पर निशाना साधने को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो ट्विटर पर आए दिन बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। इसी क्रम में वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने बैंकों और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चिंता व्यक्त कर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी ही सरकार पर आरोप और सवाल खड़े करने को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी एक बार और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वरुण गांधी कभी किसानों का मुद्दा तो कभी महंगाई का मुद्दा, कभी बेरोजगारी का मुद्दा तो कभी कोरोना जैसे मुद्दों पर अपनी ही सरकार यानी बीजेपी को आड़े हाथों लेते आए हैं। आज फिर वरुण गांधी ने बैंकों और रेलवे के निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वरुण गांधी ने कहा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। वरुण गांधी पहले भी मोदी सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण की नीति का विरोध करते रहे हैं। सांसद का मानना है कि इसकी वजह से ही रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। अब उन्होंने बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का ये कहते हुए विरोध किया है कि जो कार्य सरकारी बैंक करते हैं वो शायद निजी बैंक ना कर सकें। वहीं कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की निजीकरण की नीति पर लगातार सवाल खड़े करती आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूँ। अब वरुण गांधी ने निजीकरण पर सरकार को घेरा है। देखना है कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।